हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं i10 ईरा के बारे में। इसका इंजन सीज हो गया था, क्रिंक सीज हो गई थी, तो अभी हम इसका इंजन बांधने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका इंजन बांधा जाता है, A to Z फिटिंग दिखाएंगे आपको। ये देखिए इसका इंजन ब्लॉक, जो इसकी क्रिंक हो गई थी सीज, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मस्त ओके है। तो इसकी अभी हम फिटिंग, इसको पहले धुलेंगे। ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसके रखे पिस्टन, पिस्टन को भी हम साफ़ करेंगे, इसको ब्लॉक को इसको साफ़ करके फिर इसकी फिटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे ठीक किस तरीके से इसकी फिटिंग होती है। ये देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है, बिल्कुल ओके कंप्लीट। अब इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर ऑयल इसके ऊपर, पाँचों के ऊपर। देखिए पाँचों पर ऑयल लगा दिया थोड़ा थोड़ा। अब इसके ऊपर रखेंगे हम क्रैंक, तो क्रैंक रख के अभी आपको दिखा रहे हैं ठीक। मैंने इसकी क्रैंक रख दी है, तो मैंने लगा दिया। अब इसके लगाएंगे थर्ड वार्सल। ये देखिए ये जो कट होता है वो इस साइड में रहता है, इस साइड में हमेशा, और इसमें दो थर्ड वार्सल पड़ती हैं, जो वाला कट वाला इधर रहेगा और इस वाले में कट है जो वो इस साइड में रहेगा ठीक। आपको दिखा दें एक डाल के, तो देख सकते हो। पहले इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, तो देखिए ये वाला जो कट वाला हिस्सा है वो इस साइड में रखेंगे, इस साइड में ठीक। तो ये वाला कट वाला हिस्सा है तो इस साइड में रखेंगे इसको। ये देखिए कट वाला हिस्सा मैंने इस साइड में रख लिया है। अब इसको हल्का सा मैं इधर ठोक के, ये देखिए मैंने एक थर्ड वार्सल डाल दी है, और थर्ड वार्सल एक और हम डाल देंगे। ये वाला जो कट वाला हिस्सा है वो इस साइड में रहेगा, इस तरीके से हम डाल देंगे इसमें भी। तो थर्ड वार्सल डाल के फिर इसके मेन लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे ठीक। मेन लगा के फिर आपको दिखाएंगे। थर्ड वार्सल डाल दी, ऑयल लगा लिया, आप इसके मेन लगाने जा रहे हैं। ये देखिए एक नंबर है, तो एक नंबर रहेगा टाइमिंग की साइड में रहता है एक नंबर, तो देखिए तीर का निशान है वो टाइमिंग साइड में रहेगा, ये देख सकते हो। ये जो निशान है देख सकते हो आप, ये वाला ये टाइमिंग की तरफ रहता है, जो तीर का निशान है वो टाइमिंग की तरफ रहता है। तो इसको हम इसी तरीके से एक नंबर से, यहाँ से एक नंबर शुरू होता है, तो एक नंबर से हम ये स्टार्ट कर देंगे, पाँचों लगा देंगे। इसके बोर्ड लगते हैं, आपको दिखा दें किस तरीके के इसमें बोर्ड लगते हैं, जो 12 पैल के होते हैं, 15 नंबर ऊपर से बॉडी लगती है इसमें 12 पैल की। तो इसको हम टाइट कर देंगे, 10 बोल्ट 5 मैन होते हैं, तो 10 बोल्ट होते हैं इसमें, 10 बोल्ट हम टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे ठीक। सारे बोल्ट बराबर टाइट करनी चाहिए, ये तो बराबर ही टाइट करोगे तो करंट टाइट दिक्कत आ जाए, या करंट को हल्का सा घुमा लेना चाहिए हल्का सा। टाइट करते हो तो सारे बोल्ट टाइट करके करके, और हल्के से तुमको क्रैंक घुमा लेनी चाहिए पहले ही, तनिक बोल्ट टाइट करके क्रैंक घुमा लो। तो इसी तरीके से इसके सारे बोल्ट टाइट कर देंगे बराबर बराबर, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे ठीक। ये देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया है, क्रैंक को बिल्कुल मस्त फ्री घूम रही है ओके। अब हम डालने जा रहे हैं रिंग, आपको रिंग दिखा दें, हुंडई जेन्युइन के तो रिंग डालने जा रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे पिस्टन में किस तरीके से डाले जाते हैं, और रिंग दिखा दें कौन कौन सा है। ये देखिए ऑयल रिंग है, ये कंप्रेसर रिंग है, ये टॉप रिंग है। तो सबसे पहले हम ऑयल रिंग डालने जा रहे हैं, आपको दिखा दें। ये देखिए इसमें W और M बनता है, तो हम इसको W बना के डालेंगे यहाँ पर। तो आपको दिखा दें किस तरीके, कहाँ पर पड़ता है, ये वाला जो कट होता है वो टाइमिंग की तरफ रहता है यहाँ पर, ये तीर की तरफ हो जाए जूम। ये देखिए इस वाला निशान है, ये तीर का निशान बिल्कुल जस्ट सी गजनपनी के सामने रहता है यहाँ पर, और ये वाला W जो है W बना के डालेंगे इस यहाँ पर, इस यहाँ पर डालेंगे इसमें W बना के डालेंगे इसमें। ये W बना के डाल दिया यहाँ पर, अब इसका पतला रिंग डालेंगे इसमें। पतला रिंग है, अब इसको हम सारे रिंग पिस्टन में रिंग डाल देंगे, फिर आपको दिखा देंगे किस तरीके से इसमें ब्लॉक में ठोके जाते हैं पिस्टन ठीक। तो उसी तरीके से हम सारे रिंग फिट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे ठीक। जैसे कि जो इस पर लिखा होता है वो ऊपरी साइड में रहता है, ये
सफाई कर ली है, अब रिंग ठोकने जा रहे हैं इसमें, पिस्टन ब्लॉक में ठोकने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे ऑयल, ऑयल लगा के अभी आपको दिखा रहे हैं। पिस्टन हमने ठोक दिया, अब इसका बिगन लगाने जा रहे हैं। ये देखिए बिगन है, आपको दिखा दें, जो मक्खी होती है ये देखिए, जो कट होता है वो कट वाले निशान पर रहता है, इस जगह पे देख सकते हो आप, यहाँ पर वो कट वाले निशान पर रहता है। तो हम इसको लगा देंगे, और इसमें दो बार नंबर के नट होते हैं, वो बार नंबर के दोनों नट हम लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम इसके तीनों पिस्टन और ठोक देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएँगे। ठीक, पिस्टन ठोक दिए, ओके कंप्लीट कर दिया है ब्लॉक। अब इसका हम लगाने जा रहे हैं ऑयल पंप और इस साइड वाली प्लेट। ये साइड वाली प्लेट यहाँ पर लगती है, यहाँ पर, और ऑयल पंप ये यहाँ पर लगता है। तो इसके हम सारे बोल्ट पैकिंग वैकिंग लगा के, बाउंड वाउंड लगा के ऑयल पंप और प्लेट लगा देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, 10 नंबर के बोल्ट इसमें लगते हैं कुछ इस तरीके के, और छोटे बड़े बोल्ट लगते हैं, तो सारे 10 नंबर के बोल्ट लगा के फिटिंग मार के फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। सारे बोल्ट बराबर टाइट करने चाहिए, एक बार भी बोल्ट कोई भी नहीं टाइट करना चाहिए, बोल्ट सारे बराबर टाइट करने चाहिए। देखिए मैंने ऑयल पंप इसका लगा दिया है, इसका ऑयल पंप है और इसकी प्लेट हो गई, दोनों टाइट कर दिया। अब इसको हम लगाने जाना वाटर बॉडी, आपको दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे की फिटिंग आप देखिए। ये देखिए इसकी वाटर बॉडी, इसकी वाटर बॉडी में लगाने जा रहे हैं। तो इसमें 5 बोल्ट लगते हैं 10 नंबर के, 2 बड़े लगते हैं और 3 एक साइज के लगते हैं। तो इसमें हम बोल्ट लगा के, इसकी पैकिंग बोल्ट लगा के हम इसको लगाएंगे, यहाँ पर लगती है वाटर बॉडी, इसको माटवाड़ी को लगा देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर लगती है माटवाड़ी। माटवाड़ी हमने कस दिए, देख सकते हो आप, 10 नंबर के सारे बोल्ट टाइट कर दिए, इस तरीके से लगती है। ये अल्टरनेटर का ब्रैकेट है, इसमें अल्टरनेटर का ब्रैकेट है, इसमें अल्टरनेटर लगाया जाता है, कसा जाता है एक बोल्ट उसका, और ये वाटर बॉडी है। ओके, कर दिए हमने टाइट कर दिए, 10 नंबर के सारे बोल्ट टाइट कर दिए, 5 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, सारे में टाइट कर दिए 5 बोल्ट। और इसका लगाने जाना चैम्बर है ये, तो हमने लगा के इस पर बॉन्ड, तो इसको हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर का देखिए बिल्कुल साफ करके रखा, ऑयल पंप जाली फिट है, तो इसको हम लगाने जा रहे हैं। लगा देंगे, 10 नंबर के बोल्ट हैं,
इतने छोटे 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, सारे बोल्ट हम कस देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे, बता रहे हैं किस तरीके से लगना है। ठीक, क्या करना है, सब पहले बोल्ट सारे मिला लेने हैं, ठीक, एक एक करके सारे बोल्ट मिला के फिर वारी वारी से एक टाइट करने हैं उनको, एक ही बार में नहीं। जैसे एक बोल्ट मैंने ले लिया इसको और फुल टाइट कर दिया, ऐसा नहीं होता, फिर दिक्कत आ जाती है। तो सारे बोल्ट एक बार में नहीं कसने हैं, तो सारे बोल्ट मिला मिला के टाइट करने हैं। ठीक, इसको हम टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको बता रहे हैं। ठीक, चैम्बर हमने लगा दिया, अब इसका लगाने जा रहे हैं फ्राई व्हील। और एक बात आपको और बता दें, फ्राई व्हील और फ्राई व्हील लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर लगता है फ्राई व्हील। लगाने से पहले लगती है पहले सील प्लेट, तो हम इसकी सील प्लेट लगाएंगे। सील प्लेट कुछ यहाँ पर लगती है, तो इसको हम लगा देंगे सील प्लेट को, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लगती है सील प्लेट हम लगा के, फिर इसका फ्राई व्हील लगाएंगे। फ्राई व्हील में लगते हैं 17 नंबर के 5 बोल्ट, जो इस तरीके के महीन चूड़ी के, तो इनको हम लगाएंगे, लगा के इनको कस देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने फ्राई व्हील के बोल्ट लगा दिए, अब इसको हम कसने जा रहे हैं, कसेंगे हम इससे। ये है इंजन लॉक, तो इस तरीके से हम इंजन लॉक को लगा देंगे। यहाँ पर बोल्ट डाल दिया और ये लग गया इंजन लॉक, तो इसको हम टाइट करेंगे तो फ्राई व्हील घूमेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम इंजन लॉक लग गया, अब इसको हम टाइट करेंगे तो ये घूमेगा नहीं। तो इसको अच्छे से टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। ठीक, अभी तो मैंने टाइट कर दिया, ओके, एक नंबर हो गया फ्राई व्हील टाइट। अब इसकी लगाने जा रहे हैं क्लच प्लेट, ये है इसकी क्लच प्लेट, तो इसको हम लगाएंगे तो आपको दिखा देंगे। क्लच प्लेट में 12 नंबर के 6 बोल्ट लगते हैं, तो हम जब इसका सेंटर मिलाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। इसको हम पहले लगा देंगे, बोल्ट मिलाएंगे हल्के से, बहुत बारीक से बोल्ट मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, तो फिर इसका सेंटर मिलाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे सेंटर किस तरीके से सेंटर इसका मिलाना चाहिए। ठीक, ये हमने इसकी क्लच प्लेट लगा दी, आपको दिखा दें बेस्ट तरीका किस तरीके से आप बिना इसके सेंटर पिन लगाए सेंटर मिला सकते हो, आपको दिखा दें। देख ही सकते हो यहाँ पर, तो दिख रहा होगा हल्का सा आपको, तो ये खाँचा होता है इसका प्रेशर पैड का जो होता है, उसके बिल्कुल बराबर में रखना, आपको उंगली लगा के देख लेना है, ऐसे लगा के देख लेना, बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। और आपको इधर का दिखा दें, ये देख सकते हो इधर भी बिल्कुल बराबर है, तो हल्का भी फ़र्क नहीं इसमें, इसके प्रेशर प्लेट की क्लच प्लेट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तीनों साइड हमने देख लिए, तीनों साइड में देख सकते हो, और तीनों साइड हमने देख लिए बराबर है, तो इसी तरीके से इसका सेंटर मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम इसकी 6 वोल्ट 12 नंबर की टाइट कर देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। क्लच प्लेट हमने टाइट कर दी 12 नंबर की, 6 वोल्ट हमने टाइट कर दिया। अब इसका लगा जाना है गेयरबॉक्स, रखा इसका गेयरबॉक्स है, तो इसको हम फिट करेंगे इसमें। इसमें 14 नंबर के बोल्ट लगते हैं, 4 मेन हाउसिंग के बोल्ट होते हैं वो, ना बोला जाता है, तो इसको हम गैरक्स लगा देंगे, इसको लगा देंगे इसमें, फिर इसको बोल्ट जब लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके के इसमें बोल्ट लगते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने इसका गेयरबॉक्स फंस दिया, देख सकते हो आप, ये गेयरबॉक्स फंस गया है ब्लॉक में। ये 14 नंबर के 4 बोल्ट लगते हैं इसमें हाउसिंग के, वो देखिए एक यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगता है, 4 बोल्ट लगते हैं, बड़ा बोल्ट लगता है, ये 3 छोटे बोल्ट लगते हैं। तो इसके तरफ सारे बोल्ट टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ग्रक्स हमने कस दिया, अब इसका लगाने जा रहे हैं एसी कंप्रेसर का ब्रैकेट, जो यहाँ पर लगता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसमें 4 बोल्ट लगते हैं 12 नंबर के, 1, 2, 3 और एक यहाँ पर लगता है 4 बोल्ट, यहाँ पर 14 बोल्ट यहाँ पर लगता है, लंबा बोल्ट यहाँ पर लगता है, तो इसको हम लगाएंगे 4 बोल्ट टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। इसका कंप्रेस वो एसी कंप्रेसर ब्रैकेट है, तो इसको हम टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, ब्रैकेट हमें टाइट कर दिया, इसका रखने जा रहे हैं हेड, हेड रखा इसका हेड है, इसको हम सफाई कर लिए हमने, तो इसको फिट करने जा रहे हैं। हेड गैस्केट है, देख सकते हो बिल्कुल ओके कंप्लीट करके रखी है हमने, इस पर ऑयल लगा लिया था हेड गैस्केट पर, तो इसको हम रख देंगे हेड पे रख देंगे। इसके बोल्ट लगाने जा रहे हैं, लगाएंगे बोल्ट फिर आपको दिखाएंगे बोल्ट किस तरीके के होते हैं। इस तरीके के बोल्ट होते हैं इसमें, 8 हमारे लंग की लगती है, तो इसको हम टाइट कर देंगे, इसके सारे बोल्ट टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। हेड हमने टाइट कर दिया, कंप्लीट हो गया हेड, ओके, तो मैं टैपेट इसके मिला दिए थे। टैपेट की वीडियो देखनी है तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, टैपेट की वीडियो किस तरीके से टैपेट मिलाई जाती है, टाइमिंग मिलाई जाती है, उसका हम दे देंगे, लेकिन टाइमिंग का दिखा देंगे तब भी हम थोड़ा बहुत टैपेट में मिला दिए आपको, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक, देख लेना टैपेट का वीडियो। तो अब हम इसका लगाने जा रहे हैं टैपेट कवर, ये इसका टैपेट कवर है, इसको लगाएंगे। इसमें 6-10 नंबर के बोल्ट लगते हैं इस तरीके के, इतने बड़े, तो इसको हमने बोल्ट लगा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सफाई कर ली है, तो इसको हम लगाने जा रहे हैं, लगा के फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। आपको ध्यान रखना है बोल्ट सारे मिलाने फिर बाद में टाइट करने के। ये देखिए मैं टैपेट कवर इसका टाइट कर दिया, इसका लगाने जा रहे हैं ये माउंटिंग वाला ब्रैकेट, जो माउंटिंग ब्रैकेट लगता है इधर साइड में, इधर टाइमिंग की तरफ, तो ब्रैकेट लगा देंगे 14 नंबर का है, 3 बोल्ट इसमें वो लगा देंगे, इसकी टाइमिंग बेल्ट मिला देंगे, आपको निशान दिखा देंगे, ये निशान होता है
जस्टिस तीर के निशान पर रहेगा यहाँ पर, और ये वाला निशान होता है यहाँ पर देख सकते हो, और ये इस वाले तीर के निशान पर रहेगा यहाँ पर। इसकी टाइमिंग मिला देंगे और ये ब्रेकेट टाइट करके फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, देखिए हमने इसकी टाइमिंग मिला दी है और ब्रेकेट हमने टाइट कर दिया है, और अब हम इसकी सारी फिटिंग मार देंगे और राउंड में लेके देख ले, राउंड सही है, सारी फिटिंग इसकी। कवर लगा देंगे, कवर लगा के इसका पुली लगा देंगे यहाँ पर की, जो पुली लगती है पुली सारी फिटिंग कर देंगे और फिर आगे की फिटिंग दिखाएंगे आपको। ठीक, कवर लगा के पुली लगा के, ये नीचे वाली की पुली और ये वाली वाटर बॉडी की पुली, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैंने पुली टाइट कर दी है, कवर लगा दिया था, पुली लगा दी है, एक पुली ये लगती है, एक अंदर छोटी सी पुली लगती है आपको पता होगा, और एक 10 नंबर के बोल्ट, 19 नंबर का बोल्ट मैंने लगा दिया, ये वाली पुली लगा दी, 10 नंबर के बोल्ट इसमें लगते हैं वो लगा दिया मैंने, और ऐसे कंप्रेसर भी मैंने लगा ही दिया है, तो बेल्ट टाइट कर दी है। एक यहाँ पर बोल्ट होता है, अडजस्टर है ये यहाँ पर से, एक यहाँ पर बोल्ट होता है और एक यहाँ पर नट बोल्ट होता है, ये वाला नट बोल्ट है। ऐसे कंप्रेसर मैंने टाइट कर दिया था, अब इसका हम लगाने जा रहे हैं। एल्बो जो पूरी एल्बो होती है यहाँ से यहाँ तक आती है, तो वो हम एल्बो लगाएंगे, आपको दिखा देंगे किस तरीके की होती है। ये देख सकते हो इस तरीके की एल्बो होती है पूरी कंप्लीट, तो इसको हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर 10 नंबर के दो बोल्ट लगते हैं, 3 नंबर 3 12 नंबर के बोल्ट यहाँ पर लगते हैं, तो इसको हम लगा देंगे। बोल्ट हमने लगा लिए, यहाँ पर लगती है ब्लॉक में और यहाँ पर हेड में लगती है। ठीक, हम इसको लगा के और दो बोल्ट सपोर्ट में लगते हैं, बोल्ट लगा के आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, ये देखिए हमने एल्बो लगा दी है, बोल्ट भी लगा दी है, टाइट कर दी एल्बो। अब इसका लगाने जा रहे हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में इस तरीके का बोल्ट होता है और एक यहाँ पर होता है एडजस्टर, और इसका सेल्फ है, सेल्फ भी लगा देंगे। दो बोल्ट यहाँ पर लगते हैं, एक यहाँ पर लगता है और एक यहाँ पर लगता है, 12 नंबर के दो बोल्ट लगते हैं, सेल्फ भी लगा देंगे। अल्टरनेटर यहाँ पर लगता है, एडजस्टर यहाँ पर टाइट होता है, तो इसको हम अल्टरनेटर सेल्फ लगा देंगे, फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको क्या क्या होता है इसमें। देखिए हमने सेल्फ अल्टरनेटर लगा दिया और इसकी बेल्ट भी चढ़ा दी है, एडजस्टर था ये, बेल्ट हमने चढ़ा दी है, तो सेल्फ के दोनों बोल्ट ऐड कर दिए, अल्टरनेटर के दोनों बोल्ट ऐड कर दिए और बेल्ट भी हमने चढ़ा दी है, देख सकते हो आप। अब इसका हम लगाने जा रहे हैं मैनिफोल्ड, ये रखा इसका मैनिफोल्ड है, ये मैनिफोल्ड यहाँ पर लगता है यहाँ पर, तो इसको हम लगाएंगे। इसमें 12 नंबर के 5 बोल्ट लगते हैं, 5 बोल्ट लगा देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ठीक, देखिए मैनिफोल्ड मैंने इसका लगा दिया है, ओके कंप्लीट हो गई है। A to Z इंजन इसका यहाँ पर नीचे कंप्लीट हो चुका है, पूरी इंजन असेंबलिंग जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। गियरबॉक्स कंप्लीट हो गया है, पूरा इंजन कंप्लीट यहाँ पर हो गया, सिर्फ चढ़ाना है और बाकी वहाँ की फिटिंग मारनी है और स्टार्ट करना है गाड़ी, बस ओके। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।